जीवाएं और केंद्र से उनकी दूरियां। एक वृत्त में असंख्य जीवाएं होती हैं। किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक दूसरे के समांतर जीवाएं खींचिए। देखिए आकृति 37। क्या आप जीवा की लंबाई तथा जीवा के केंद्र से दूरी में कोई संबंध देखते हैं? दी गई आकृति में जीवा ए बी, सी डी व ई एफ को केंद्र से दूरी के घटते क्रम में लिखिए। आप देखेंगे कि जीवा की लंबाई बढ़ते जाने पर उसकी केंद्र से दूरी कम होती जाती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, उसकी केंद्र से दूरी शून्य है। क्या एक वृत्त पर बराबर जीवाएं लें तो उनकी केंद्र से दूरी समान होगी? आइए अब हम इस कथन की सत्यता की जांच करते हैं। प्रमेय 6। कथन: किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। चलिए बच्चों, अब हम यह देखते हैं कि यदि किसी वृत्त पर उसकी दो जीवाएं समान हो तो क्या वो केंद्र से भी समान दूरी पर होती हैं। चलिए इसके लिए फिर से हम दो जीवा ले लेते हैं और उसके लिए वृत्त की परिधि पर ये दो बिंदु हमने लगाए हुए हैं, ए और बी, और इस पर अब हम जीवा का निर्माण करते हैं। ये एक जीवा जो बना लेते हैं, ए बी जीवा। अब हम इस जीवा का जीवा की लंबाई नाप लेते हैं कि जीवा की लंबाई कितनी है। देखिए ये यहाँ ज़ीरो सेट कर दिया। ये देखिए ये जो लंबाई है ये आ रही है, ए बी जीवा की लंबाई आ रही है 28 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 28 सेंटीमीटर की जीवा है। अब हमें इसी माप की एक और जीवा बनानी है। इसके लिए हम एक और अन्य बिंदु परिधि पर ले लेते हैं, बिंदु सी। ये ले लिया और इसी माप का अब हमें दूसरी जीवा बनानी है जो कि 28 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो हम वापस से 28 सेंटीमीटर के लिए हम बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु हमें कहाँ मिल रहा है वृत्त की परिधि पर? ये यहाँ पर। चलिए यहाँ हम अन्य बिंदु अंकित कर देते हैं बिंदु डी के नाम से। ये देखिए ये 28, ये हो गया सी डी। इसके लिए चलिए हम फिर से ये जीवा सी डी बना लेते हैं, उसके बाद ए बी जीवा फिर से प्राप्त कर लेंगे। वहाँ से ये धागा हट गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए ये हो गई सी डी जीवा और अब हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं ए बी जीवा। यहाँ से ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं। ये हो गई ए बी जीवा। इसे अच्छी तरह से आप टाइट कर लें तो ये ए बी जीवा और सी डी जीवा जो है, इन दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो 28 सेंटीमीटर की है। अब हमें यह पता करना है कि इनकी केंद्र से दूरी कितनी है। बच्चों हमेशा ध्यान रखें कि दूरी का मापन जो होता है वो सदैव जो होता है लंबवत होता है, इसलिए हम यहाँ पर भी दूरी का मापन लंबवत करेंगे और इसके लिए हमें चांदी की आवश्यकता होगी। तो चांदी की आवश्यकता होगी इसलिए हम यहाँ 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड ले लेते हैं। ये देखिए हमारा ये केंद्र है और यहाँ पर चांदी को पहले आप इसकी आधार रेखा सेट कर लीजिए। ये हो गई आधार रेखा, देखिए, और ये हम केंद्र से ये हो गया 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड। इसकी लंबाई जो होगी जीवा तक की, जो केंद्र से लेकर जीवा तक की जो दूरी है उसको हमको नापना है। तो अब मुझे इस चांदी की आवश्यकता नहीं है, इसे मैं हटा देती हूँ और उसके बाद यहाँ ज़ीरो सेट करके देखिए ये कितना आ रहा है। यह हमें मिल रहा है 16.2 सेंटीमीटर। देखिए 16.2 सेंटीमीटर। चलिए यही प्रक्रिया हम ए बी के लिए दोहराते हैं और फिर से यहाँ लंबवत दूरी हमें नापनी होगी। तो आप पहले आधार रेखा को सेट कर लीजिए। ये देखिए हमने जीवा पर आधार रेखा, चांदी की जो आधार रेखा है उसको सेट कर लिया है और अब ये जो है ये लंबवत दूरी हम अब नाप सकते हैं। इसको नापने के लिए चांदी की अब हमें आवश्यकता नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। आप ध्यान रखें कि आपका हाथ ना हिले,
अन्यथा मापन में त्रुटि हो सकती है। तो अब आप इसको नापेंगे तो ये केंद्र पर रखिए 0, और ये आप देखेंगे थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं हम, ताकि केंद्र से हमारी दूरी जो है वो अच्छे से, इसमें कोई त्रुटि ना हो। तो देखिए ये केंद्र पर हमने 0 सेट किया, तो अब ये दूरी भी हमें मिल रही है बिल्कुल उतनी ही, 16.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यह देखा कि वृत्त की जो समान जीवाएं हैं वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। इस प्रयोग में हमने यह भी देखा कि यदि केंद्र से समान दूरी पर दो जीवाएं स्थित हैं तो उनकी लंबाइयां भी आपस में बराबर होंगी। चलिए, हमने प्रायोगिक सत्यापन देखा इस गुणधर्म का, अब हम इसे तार्किक रूप से सिद्ध करते हैं।